तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है एंड अगर आप लोग चाहते हो एंड्रॉइड 14 एंड फंटा चोच 14 लेटेस्ट अपडेट हमें हमारे फोन के सेटिंग के अंदर कब देखने को मिलने वाला है, तो फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ। 101% मैं यहाँ पर आप लोग को रियल यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा एंड आपके फोन में कब तक एंड्रॉइड 14 का फंटा चोच 14 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है। यहां पर कुछ आप लोग को क्लू भी दिखाऊंगा, यहां पर कुछ फीचर्स भी आप लोग को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो फाइनली अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे, तो अगर आपके पास वीवो का B23 एंड B23 प्रो एंड वीवो का B23e फोन है, तो इन तीनों डिवाइस के बारे में कंफर्म डेट पता चल जाएगा एंड आपको कब तक एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है उसके बारे में भी आप लोग को कंफर्म डेट पता चल जाएगा। तो आपको कोई किसी का वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूं। इस रिकॉर्डिंग में मैंने बात किया है कस्टमर केयर से एंड मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है। इस रिकॉर्डिंग में आप लोग खुद अपने कानों से सुन सकते हो और मैं इस वीडियो में आप लोग को सुनाने वाला। तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का B23 एंड वीवो B23 प्रो वीवो B23e फोन है, इन तीनों फोन में एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट कब तक मिलेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं एंड 101% कंफर्म डेट मेरे को पता चल गया है। उसके बाद दोस्तों, पहले हम यहां पर कुछ फीचर्स आपको दिखाते हैं एंड्रॉइड 14 का। तो यहां पर देख सकते हो एंड्रॉइड 14 का फीचर्स इस तरीके का मिलेगा आपको। यहां पर आइकन्स वगैरह इसके अंदर किया गया एंड लॉक स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ नए चेंजेस वगैरह देखने को मिलने वाले हैं एंड आपके आइकन्स एंड वेदर वगैरह जो होते हैं उसमें भी चेंजेस मिलेगा। यहां पर लिखा गया 14 फ्रंट टच ओएस 14। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो इसके फीचर्स यहां पर ऐड किए गए हैं। मैं आपको धीरे-धीरे करके सभी फीचर्स दिखाने वाला हूं। तो यहां पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको यहां पर मोर कलर्स मोर यूआई, तो दोस्तों यहां पर आपको कलर्स मोर यूआई मिलेंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर वॉलपेपर के कलर को आप चेंज कर पाओगे एंड मैनेज कर पाओगे, यहां पर फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहां पर यूआई कलर चेंजेस का मिल जाता है, तो आप लोग यूआई कलर में आप लोग को कुछ डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे एंड आपको अगर एंड्रॉइड 14 का अपडेट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो दोस्तों यहां पर स्क्रॉल करके एक बार चलते हैं हम नीचे से ऊपर। तो यहां पर आप लोग को एक वीडियोस दिखा देता हूं, जो कि ये वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कैमरा के बारे में। अगर आप लोग कैमरा के अंदर फिल्टर्स वगैरह को लगाते हो तो फिल्टर में आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलने वाली है एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट के बाद। उसके बाद दोस्तों, यहां पर फीचर्स दिया गया है, यहां पर आइकन्स को यहां पर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जो आप लोग फोटो वगैरह क्लिक करते हो उसे आप लोग अच्छे से एडिटिंग भी कर सकते हो, बढ़िया से इसमें दिया गया फीचर्स वगैरह। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाते हैं वीडियो चैटिंग वगैरह का ऑप्शन, तो इसमें चैटिंग वगैरह भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप लोग चैट वगैरह करते हो तो आप लोग को एक विंडो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, तो आप लोग एक साथ में डबल एप्लीकेशन के साथ विंडो क्रिएट करके यूज कर सकते हो। एंड एंड्रॉइड 14 में भी आप लोग को देखने को मिलने वाला है, एंड्रॉइड 13 में मिलता ही है लेकिन एंड्रॉइड 14 में कुछ अलग और नए तरीके से आप लोग को इसके अंदर मैनेज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं, अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, तो आपको एक कर्व जो कि कैलकुलेटर आप लोग को देखने को मिल जाता है। ये भी आप लोग विंडोज वगैरह एल्बम भी ओपन करके एंड कैलकुलेटर के साथ आप लोग विंडोज क्रिएट कर सकते हो, ये भी आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फीचर्स बाय फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 36 ऐप के बारे में बताया गया, और रैम आपका वर्चुअल रैम तो मिलता ही है लेकिन एंड्रॉइड 14 के अंदर अच्छे से इंप्रूव किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं सभी कुछ मिलते हैं, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से मैं वीडियोज प्ले करता हूँ, ये वाला वीडियो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो चीज है आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का हमें एंड्रॉइड 14 में कुछ चेंजेस वगैरह इसके अंदर मैनेज किया गया है, तो आप लोग देख ही सकते हो यहां पर मैनेज किया गया है। तो दोस्तों मैंने यहां पर एंड्रॉइड 14 के बारे में बताया, यहां पर क्या फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स आप लोग को देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 14 अपडेट के साथ। एंड इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग देखोगे तो आपके सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड डिफरेंट चेंजेस मिल जाएंगे। एंड्रॉइड 13 से बेटर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया फीचर्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं
यहां पर पहले आप लोग को एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट की कंफर्म डेट बताने वाले हैं। जो कंफर्म डेट निकल कर आने वाली है वो चीज आप लोग अपने कानों से सुन सकते हो। मैंने बात किया है कस्टमर केयर से एंड कुछ रिकॉर्डिंग भी रखा है, तो आप लोग अपने कान से सुन सकते हो, खुद सुन सकते हो। मैं यहां पर अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही सुन सकते हो। जी इस कॉल पे मैंने माफी चाहूंगी, पर समय लग रहा था। ओके Vivo V23 Pro में सर जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, अगर जी सर बताना चाहूंगे इस फोन में Android 14 का जो अपडेट होगा आपको वो मिड ऑफ मार्च 2024 तक आ पाएगा, और Vivo V23 जो 5G हैंडसेट है इसमें भी सेम आपको मिड ऑफ मार्च में आएगा, एंड Vivo V23e में भी आपको मिड ऑफ मार्च 24 में ही आएगा। ओके सर, ओके जी। और कोई जानकारी Vivo से संबंधित जानना चाहते हैं आप? तो फाइनली दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आपको अपने Vivo के B23 एंड Vivo B23 Pro एंड Vivo B23e फोन में कब तक मिलने वाला है Android 14 एंड FantaChoice 14 लेटेस्ट अपडेट। आप लोग को इस रिकॉर्डिंग के अंदर तो पता चल ही गया होगा, जो कि इसके अंदर थोड़ा आप लोग को वायलेशन देखने को मिला होगा, लेकिन यहां पर जब मैंने बात कर रहा था तो वहां पर हल्ला चिल्ला ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए आ रहा था आवाज। लेकिन आप लोग को यहां पर कंफर्म डेट तो पता चल ही गया होगा, मैंने यहां पर कस्टमर केयर से बात किया था एंड यहां पर आप लोग को बता दिया यहां पर कंफर्म डेट। तो जो कि मैं अपने मुंह से बताने वाला हूं, अगर आपके पास Vivo का B23 एंड Vivo B23 Pro Vivo B23e फोन है तो फाइनली आप लोग को 3 से 4 महीने तक वेट करना पड़ेगा, जो कि मार्च 2024 में आपको देखने को मिलने वाला है, मार्च के महीने में एंड्रॉइड 14 का लेटेस्ट अपडेट 2024 में। तो ये ही कंफर्म डेट है और 101% मैं बता रहा हूं ये कंफर्म डेट है। मैंने कस्टमर केयर का रिकॉर्डिंग भी आप लोग को सुना दिया और उनके मुंह से भी आप लोग सुन चुके होंगे, तो फाइनली आप लोग को तो तसल्ली आई हो गया होगा कि Vivo के B23 फोन में हमें कब तक एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में एंड कंफर्म के साथ इस वीडियो में मैंने बता दिया, तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए, आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।